हाय नमस्कार, मैं हूँ शिल्पा और करती हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत आपके मनपसंद प्रोग्राम में जिसका नाम है इटर्नल हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य। शुद्ध आयुर्वेद यानी शुद्ध जीवन। जीवन शुद्ध है तो हेल्दी है, हेल्दी है यानी परेशानियां कम। लेकिन आजकल की फास्ट फूड और फास्ट लाइफ के चलते परेशानियां तो खूब है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा यही प्रयास है कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, इसलिए हम लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज ऑन शुद्ध आयुर्वेद। तो दोस्तों लगाइए पूरा ध्यान, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा आयुर्वेद का ज्ञान, बिखरेंगे यहाँ पर सेहत के मोती जिनसे दूर आपकी परेशानियां है होती। और ये मोती बिखेरने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और इससे पहले कि आप अपने ज्ञान के मोती बिखेरना शुरू करें, दर्शकों को बता देते हैं हमारा फोन नंबर 01294088152। प्लीज कॉल अस अगर आप चाहते हैं आयुर्वेद के विषय पर कोई भी जानकारी। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि रसायन क्या होता है। जी, आपने जैसे कहा ज्ञान के मोती तो हम ये समुद्र मंथन इस बार हम कर रहे हैं शुद्ध आयुर्वेद का जी, और हम जो है गोता लगाते लगाते बहुत नीचे पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये जो रसायन शास्त्र है जो कि हमारी अब सातवीं जो अष्टांग आयुर्वेद का हमने जिक्र किया था जी जी, तो एक एक में हम जो है डुबकी लगा के अब लास्ट में यहाँ पहुंच रहे हैं। तो अभी मोती चुगने वाले हैं हम वहाँ से मोती बिखेरेंगे नहीं, मोती चुगेंगे जी जी, बहुत बढ़िया है। उनका सेवन करेंगे और जो है मोती जो है बहुत वैल्यूएबल एक रत्न है अपने आप में। तो वास्तव में ये जो ज्ञान रूपी जो रत्न है आयुर्वेद का, इसका हमें पान करना चाहिए नित्य, और इस रस पान से ही जो है ये रसायन शास्त्र का जो है निर्माण होता है जी। तो इस प्रकार का ये जो शास्त्र है इसको कहते हैं रसायन शास्त्र जी। और इसमें जो एक एक चीज जो वर्णन की गई है उसका इसी उद्देश्य से जो है वर्णन किया गया। अब इसको थोड़ा सा और अगर समझें टेक्निकल तरीके से, तो क्या है रसायन? रसायन जो है हमारे शरीर में जाकर के कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसा जो है भोजन, कोई ऐसा आहार, इवन आपका लाइफस्टाइल, वो चीज जो आपके शरीर में जाकर के आपके बल की वृद्धि करे, आपकी मेधा शक्ति जो ब्रेन पावर है उसकी वृद्धि करे, आपके जो है स्किन में जो ग्लो को बढ़ाए, आपके तेज को बढ़ाए, आपके ओज को बढ़ाए, तो वो ये आवश्यक नहीं है कि कोई ये फॉर्मुलेशन ही होगा जी, ये कुछ भी हो सकती है। जैसे कि अभी एक रिसर्च हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में, एक साइंटिस्ट है, रिसर्च साइंटिस्ट मिस्टर वॉकर जी, उन्होंने एक रिसर्च किया कि जो लोग कम सोते हैं, ये देखिए हमारे यहाँ पर विहार लाइफस्टाइल की बात है जी, कि दोज हु आर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि 35-35 घंटे तक लोगों को जो है सोने नहीं दिया जी। तो उन्होंने जो रिसर्च का निर्णय निकाला अपना, उसमें उन्होंने ये बताया कि दोज हु आर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, उनका जो है इमोशनल अंडर नरिशमेंट, उसने कहा कि वो जो ऐसी कोई स्थिति उसके जीवन में आती है जहां की कोई इमोशनल कंडीशन हो, इमोशनल हार्डशिप जहां फेस करनी होती है, तो वहां पर वो वीक पड़ जाते हैं वो लोग। तो मुझे आपसे पूछना है कि आचार रसायन क्या है? आचार रसायन, जैसे मैंने कहा कि जब हम रसायन की बात करते हैं तो उसमें केवल यही नहीं है कि कोई हमें फार्मूला या कोई दवाई बना करके, कोई मेडिसिन बना करके देनी है। एक हमारे यहाँ पर एक प्रकार का जो रसायन है वो लिखा है आचार रसायन, मतलब आपके आचरण के द्वारा जी। तो ये आचार रसायन क्या है जानेंगे इस कॉल के बाद जी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है, अपना परिचय दीजिए प्लीज। हाँ जी, मैं सदना मोदी बोल रही हूँ कंडीवली से। बोलिए। हाँ, मेरी लड़की को सिर में डेंड्रफ है। अच्छा। और डेंड्रफ कान में उतर रहा है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करने का? डेंड्रफ तो आजकल बड़ी भारी समस्या बन गई है, लगता है हर कोई डेंड्रफ का ही बारे में पूछता है। हाँ? और डेंड्रफ का जो है हम इलाज बताते हैं, बहुत बारी बताते हैं। हाँ? आपको भी एक नुस्खा बताते हैं डेंड्रफ का। हाँ? इसमें ऐसा करिए कि जो होता है आपका नीम की पत्ती मिलेगी आपके पास कहीं? हाँ हाँ मिलेंगे, झाड़ है। हाँ? तो नीम की ताजी पत्ती ले लो। हाँ? और उसको थोड़ा सा पीस लीजिए, पेस्ट बना लो। हाँ हाँ। और पेस्ट बना करके उसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ लीजिए। हाँ? और फिर उसमें ये जो आपका होता है कोकोनट ऑयल। हाँ? जो नारियल का तेल। हाँ हाँ। वो थोड़ा इस तरह से मिला करके पेस्ट बना के रखिए उसको। हाँ?
हाँ, और उनको बोलिए कि सुबह रोज जो है, अगर रोज भी नहीं तो जब भी वो सिर धोती है, हाँ, उस समय इस पेस्ट को थोड़ा सा रूट्स में लगा के मसाज करके और 10-15 मिनट तक छोड़ दे। अच्छा। और उसके बाद नीम शैम्पू से ही वो धो ले उसको। अच्छा। नीम शैम्पू मिल जाएगा आपको, अगर ना मिले तो आप हमारे यहाँ जीवा का नीम शैम्पू मंगा सकते हैं। हाँ, हाँ। तो वो उसको रोज अगर प्रयोग करें तो लगभग एक माह के अंदर विद इन ए मंथ उसका जो डेंड्रफ जड़ से चला जाएगा। हाँ। तो उसको ये प्रयोग कराइए आप और उसको तुरंत जो है ठीक करिए। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब आते हैं घरेलू रसायन की ओर। जी, तो देखिए रसायन तो आचार रसायन जैसे बताया, सबसे बड़ा तो आचार रसायन है जी, इसका सेवन, निद्रा है, टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये जो पूरा रेगुलर रूटीन जो दिनचर्या हम आयुर्वेद की बताते हैं ये भी रसायन है। और जो अगर फॉर्मूले के रूप में सेवन करना चाहें तो त्रिफला एक बड़ी साधारण सी चीज है जी। त्रिफला अपने आप में ही रसायन है, इसको कई प्रकार से सेवन किया जाता है। ऐसे नहीं कि एक तो हम जनरली बताते हैं पेट साफ करने के लिए कि रात को एक चम्मच त्रिफला, लेकिन ये रसायन का भी काम करता है क्योंकि इसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला ये तीनों ही अपने आप में स्वयं भी रसायन है जी। आमल की रसायन, हरित की रसायन, ये आयुर्वेद में इनका चरक संहिता में वर्णन किया गया है जी, जी। तो ये त्रिफला के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो एक हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण, उसमें 1 ग्राम तिल का तेल मिलाएं जी, और 6 ग्राम शहद मिलाएं, और दिन में एक बार इसका सेवन करें निरंतर जी, लगातार जी। बजर, 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 फॉर्मूला भी मैंने बताया ही, तो ये भी एक जो है घरेलू रसायन है जी, कि इसमें घर में सेवन किया जा सकता है, कोई इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं। त्रिफला सब जगह मिलता है, ये शहद भी मिलता है और तिल का तेल भी मिलता है, तो इसके सेवन करने से जो है आपके शरीर में ओजस की वृद्धि होती है, आपके शरीर में तेज की वृद्धि होती है जी, बल, कांति, वीर्य सब बढ़ता है जी जी। और एक फाइनल टिप आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? फाइनल टिप तो यही है कि आज हमने ये जो चर्चा की है रसायन की, इसमें मैं यही कहूंगा कि सबसे बड़ा रसायन जो है वो आचार रसायन है, इसलिए आप जो है अपने आचरण को जो है जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप कोई फार्मूला भी सेवन करेंगे, आजकल बहुत लोग फार्मूले खाते हैं ताकत के लिए, लेकिन उनका जो है माइंड, उनका आचरण बिल्कुल नेगेटिव होता है, दूसरों के प्रति जो है द्वेष, जलन, गुस्सा, एंगर, ये सब, तो आप जो वो रसायन में इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इतनी जो कीमती चीजें आप खा रहे हैं, तो वो बिल्कुल आपकी वेस्ट जाएगी। सबसे पहले आपको अपना मन जो है उसको शुद्ध करना है, आत्मा को शुद्ध करना है, और फिर उसके बाद शरीर की शुद्धि होगी। इस प्रकार से आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे और इस समाज में कुछ अच्छा कार्य करके जाएंगे। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए और 4 चांद लगाने के लिए। धन्यवाद। और दर्शकों, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं हमारे डॉक्टर साहब से, आप पूछना चाहते हैं उनसे और सवाल, आप हमें लिख भी सकते हैं इस पते पर, जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jiva.com। दोस्तों, एक कविता है जो मैंने स्कूल में पढ़ी थी, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह उसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें समझाया, हमें जरूरत है आयुर्वेद की गहराई को समझने की, अपने जीवन शैली में थोड़े से बदलाव लाने की, फिर देखिए कैसे सेहत आपके कदम चूमेगी। बस इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा, फिर मिलेंगे इटर्नल हेल्थ के अगले एपिसोड में। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।